कर्मण्यकर्म यः पश्येद् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। कर्मण्यकर्म यः पश्येद् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात आपको बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, बहुत जटिल बात है। कर्म में अकर्म देखना ये प्रशिक्षण की बात है। अकर्म, अकर्म का अर्थ है जिस कर्म में आप किसी भी फल की इच्छा ना करें, जिस कर्म को आप मात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए करें वो अकर्म कहलाता है। और कर्म, कर्म का अर्थ है जब आप शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करते हुए कोई कार्य करें वो कर्म कहलाता है। और विकर्म, विकर्म का अर्थ है पाप, यानी जब आप शास्त्रों के नियमावलियों का उल्लंघन करें, शास्त्रों के आदेशों में विश्वास न रख करके अपने मन के मुताबिक काम करें तो ये विकर्म कहलाता है, पाप कहलाता है। तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, यानी आप अगर कुछ काम करें और उससे किसी फल की स्पृहा ना रखें, फल की एक्सपेक्टेशन ना रखें, कोई आशा ना रखें और सोचे अरे ये मैंने क्या किया, ये तो भगवान ने कराया, ये तो भगवान के लिए था, ये तो भगवान ने मुझे नियुक्त किया है इस कर्म के लिए, काम तो उन्हीं का था, ये अकर्म हो गया। कर्म आप कर रहे हैं पर देख क्या रहे हैं उसमें, अकर्म। मगर ये ट्रेनिंग का विषय है, प्रशिक्षण का। जब आप भगवान की भक्ति में रत हो जाएंगे, जब श्री कृष्ण के चरणों में ही आपको शांति प्राप्त होगी तो आप सारे कर्मों को करते हुए उससे बंधेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप समस्त कर्मों को उन्हीं पर न्योछावर करते जाएंगे, समर्पित करते जाएंगे। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो अकर्म में कर्म देखता है, बड़े मजे की बात है अकर्म में कर्म देखना, यानी जब आप भगवान के लिए ही सारे कर्म करें और कोई आपको कहे अरे तुम तो निकम्मे हो, तुम तो कोई कर्म नहीं करते हो, और तब आप कहें ये जो मैं करता हूं भगवान के लिए यही तो मेरा मुख्य कर्म है, अकर्म था क्योंकि भगवान पर समर्पित था और उसी में आपने अपने कर्म को देखा कि मुझे मनुष्य देह मिली है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और ये जो अकर्म है जो मैं भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूं यही तो मेरा कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, यानी चाहे दुनिया उसे बुद्धिमान का टाइटल ना दे, दुनिया उसे ये उपाधि ना दे, लेकिन याद रखिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये उपाधि दी है कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और क्या होता है, और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होकर भी कैसा भी कर्म करे, ये नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं वो नौकरी नहीं करते, बच्चे नहीं पालते, वो सब कुछ करते हैं, बच्चों को भी पालते हैं, नौकरी भी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बसें पकड़ते हैं, ट्रेन्स पकड़ते हैं, सारा सारा दिन वो भी धक्के खाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनका भगवान से क्या संबंध है, वो जानते हैं कि जिन बच्चों का पालन पोषण वो कर रहे हैं वो मेरे नहीं है, वो श्री कृष्ण ने मुझे अमानत के तौर पर दी। जो ये बात जानते हैं वो ही जानते हैं कि कर्म को अकर्म कैसे किया जाए और अकर्म में कर्म को कैसे देखा जाए। और ऐसा व्यक्ति सारे प्रकार के कर्म करते हुए भी सदा भगवान से जुड़ा रहता है, दिव्य स्थिति को प्राप्त किए रहता है।